मैक्स अस्पताल शालीमार बाग के डॉक्टर्स ने सोनीपत के निजी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं देने की बात करते हुए बेहद खतरनाक बीमारी शुगर के बारे में बात की और बढ़ते हुए वजन को शुगर कारक बताया। उन्होंने बताया कि शुगर व बढ़ते वजन का बेहद करीबी रिश्ता है। आइए शुगर के बारे में मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स से विस्तार से जानें कि शुगर और बढ़ते वजन का क्या रिश्ता है। दवाई देना सब दुनिया का सबसे आसान कार्य है। किसी को ये एजुकेट करना कि उसको अपनी ज़िंदगी में सुधार करना है, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना है, अपने खान पान में सुधार करना है, वो शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी है। सिर्फ दवाई लिख देना सबसे ईजी जॉब है, मैं नींद में भी लिख सकता हूँ शायद किसी को, लेकिन पेशेंट को एजुकेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की भी है और शायद पेशेंट की भी है कि वो समझ के तो आए डॉक्टर से। तो इसलिए यंगस्टर्स में आजकल देख ही रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड ईटिंग का कल्चर हो गया है। घर में भी लगते हैं तो उनको हर समय कोई ना कोई ऐसी चीज़ें चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं, ब्रेड्स खानी है, मैगी लेनी है, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, हमेशा सब ऐसी चीज़ें जा रही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, फैट इंटेक बहुत ज़्यादा है उनका। तो धीरे धीरे उनका भी वेट गेन शुरू हो जाता है। वेट गेन सबसे बड़ी स्टोरी है। अगर आपका बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेसिव वेट गेन हो रहा है तो समझिए आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकाल रही है। उस इंसुलिन एक किस्म से आपका बैंक बैलेंस खर्च हो रहा है। जितनी आपकी बॉडी ओवर सिक्रेशन में जा रही है, जो सेल्स होते हैं इंसुलिन आने वाले सेल्स, धीरे धीरे वो एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं या उनका बर्न आउट हो जाता है। तो बाद में पता चलता है कि आप अब इंसुलिन बनाने लायक ही नहीं रहे या बहुत कम बना रहे हो। तो फिर इवेंचुअली जब वो स्टेज आ जाएगी तब आपको शुगर हो जाएगी। शुरुआत में वेट गेन होता चला जाता है, अभी शुगर कंट्रोल रहती है, लेकिन HbA1c बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए HbA1c की बहुत इंपॉर्टेंस है। बाद में फिर फ्रैंक डायबिटीज बन जाती है। अब समस्या ये होती है, जब फ्रैंक डायबिटीज़ बन जाती है तो एक बार तो डॉक्टर को शुगर नीचे लाने के लिए कुछ तो हेल्प करनी पड़ती है, लेकिन साथ में पेशेंट को ये टाइम भी देना होता है कि मैं अभी दवाई हल्की दे रहा हूँ, अब आप अपनी मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट कंट्रोल करिए, ताकि वो बेटर रिजल्ट मिले आप, ये नहीं कि सिर्फ आप दवाई पर डिपेंडेंट हो जाए। तो एक 10% वेट लॉस का एक स्टोरी है कि अगर आप मान लीजिए आप 90 किलो से स्टार्ट हो रहे हैं और आप 10 किलो अपना वेट लॉस करते हैं तो हो सकता है आपकी शुगर कुछ रिवर्सल की तरफ भी जाने शुरू हो। लेकिन जब आप बहुत एडवांस डायबिटिक हो जाते हैं तो शायद फिर तब मेडिकेशन के बिना कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखिए, हम हमारे खाने में हर तरह की शुगर के प्रोडक्ट्स नहीं हैं। बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो, शुगर मतलब रिफाइंड शुगर को कम लिया जाए, तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप शुगर बिल्कुल बंद कर देंगे। शुगर तो आपके खाने में है ही, चाहे आप रोटी लें, चाहे सब्जी लें, चाहे दाल लें, रोटी में शुगर होती होती है। तो शुगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने शुगर में कम शुगर लें, जैसे कि प्रोटीन, दाल वगैरह, हेल्दी डाइट, सैलेड्स, ये आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी शुगर काफ़ी कंट्रोल, हेल्दी वेट मेंटेन करना वो इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, जैसे कि आपको हिंदुस्तानी खाने में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा होता है, तो तेल खाना, आप जो भारी चीज़ें, मिठाई ज़्यादा लेना, ये सब चीज़ें, घी, ऐसा नहीं कि सारे में घी बंद कर दें, पर थोड़ा लें, हर चीज़ बैलेंस में लेंगे तो ठीक रहेगा। शुगर का इंटेक, तो जैसे जूसेस, मीठा लेना, इन सब से आपका शुगर बढ़ता है। देखिए, अगर आप बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका कितना इंटेक और कितना बर्न आप कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा उनकी बर्निंग रेट भी ज़्यादा होती है, उसमें भी प्रोटीन इंटेक, ये कहना कि सिर्फ शुगर ले रहे हैं ऐसा नहीं होता। हरियाणा में जो रेस्लर्स होते हैं उन्हें अंडे वगैरह, दूध, दही ज़्यादा लेते हैं, बट स्टेरॉइड, स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ होने का रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है।